चले चले फारूक भाई, आप भी हैं, अरमान भी आप भी हैं, एक और भी बात कर लेते हैं ऑडियंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की बात है। कामरान डिसूजा साहब की आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बातचीत की है, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी हो रही है, मैं हूँ जो पूरी एमक्यूएम को रीऑर्गेनाइज, पूरा रीयूनाइट, पूरा नया सेटअप सारा। लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार की कुछ शरायत है। शरायत यही है भाई, देखें ये मैं अपने एक और व्लॉग है, मैं उसमें भी कर चुका हूँ ये, और उसका टैग लाइन जो है, जो उसकी जो थंबनेल है, उसकी टैग लाइन थी इसी तनख्वाह पे काम करने का फैसला, तो ठीक है ना। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपसे कोई नाराज़ हो जाए तो ये लबो लहजा नहीं होता जो आपने अख्तियार किया हुआ है। आज तकरीबन वही बात गवर्नर सिंह ने भी कही है कि ये इस तरह का रवैया खत्म करना पड़ेगा, आपको उनके घर जाकर उनको मनाना पड़ेगा। और तो वो बात कह रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, कह रहे हैं कि मेरे घर आएं और मुझे मना के ले जाएं। एग्जैक्टली, तो आपको देखें, आप वो फारूक सत्तार साबिक कन्वीनर हैं, कोई आम कारकुन नहीं है एमकेएम। फारूक भाई वो कह रहे हैं कि आप खुद आ जाएं। अरे एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात है। फारूक भाई फिर भी चले जाएं, फारूक भाई फिर भी चले जाएं, फारूक भाई को पता है ये ना वहां जाके भी बोले आए फारूक भाई कचोरियां खाते हैं और बोले अच्छा ठीक है अल्लाह, मुझे कारकुन के तौर पर भी ले लें, मुझे मंजूर है उनको, लेकिन जाएंगे और वो लीगली तौर पर पार्टी के हेड है, उनको पता है कि अगर हमने इनको कारकुन की हैसियत से ले भी लिया ना, तो ये आगे जाके कुछ दिनों के अंदर जो है वो कन्वीनर बन जाएंगे। क्या कहेंगे फारूक भाई? यार देखें सीधी सी बात है, फारूक भाई खालिद मकबूल साहब अब ऊपर खड़े होंगे, सुने खालिद मकबूल साहब ऊपर खड़े होंगे, नीचे डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े होंगे, खालिद मकबूल शाम को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, नहीं मरते कोई मतलब नहीं, पार्टी डिसिप्लिन है, सख्त ये सख्त जुमले हैं, हज़्फ करने चाहिए, आप कार्रवाई से हज़्फ कर लें, आप कार्रवाई से हज़्फ कर लें, आप कार्रवाई से हज़्फ कर लें, मैं वो नहीं कर रहा, मैं तो नाके दूं ना भाई, मैं तो बात करूंगा, मैं पार्टी कारकुन थोड़ी हूं भाई। जिस शख्स ने जब आपके पास ऑक्सीजन में सिलेंडर, आपके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिस शख्स ने आपको ऑक्सीजन दी आपने उसको एक तीसरे शख्स के लिए कर दिया, और जिस शख्स के नाम पे आपने उसको निकाला कि हम बाहर से बंदा नहीं लेंगे, उस वक्त आपको जरा शर्म नहीं आई, आपने उसको ले लिया गवर्नर बना दिया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं यार ठीक है मैं आपको ये जुमला भी ना बोलूं, अच्छा मैं बता कह रहा हूँ चले उनको नहीं आ रही, वो शर्म से नहीं मर रहे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा चले मैंने वापस ले लिया ना, आपने हजब कर दें, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, ठीक है वो उनको बुरा मानते ना कर दें केस, तो क्या नहीं नहीं केस उसी क्या सुन तो लेना, अब वो ऊपर खड़े हैं खालिद मकबूल और नीचे डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े हैं, कारकुन क्या सोचेगा, क्या सोचेगा मतलब पार्टी के कभी ऊपर नीचे, ठीक है कारकुन क्या सोचेगा, और अगर डॉक्टर फारूक सत्तार ने नीचे खड़ो के चार लोगों को हिदायत देने शुरू कर दी तो वही नीचे जलसा कहां बन जाएगा, लिख के रख लें ये ना हो तो नहीं, पार्टी डिसिप्लिन तो फिर आप देखें 3000 वोट अकेले में ना डॉक्टर फारूक सत्तार ले सकता है, यहाँ जितने बहादुराबाद वाले बैठे ना कोई एक भी 3000 वोट नहीं ले सकता अकेले में खड़ो के, एक अकेले में खड़ोगे इतने 3000 वोट ले लिए ना, इसे 3000 वोट भी नहीं ले सकता कोई, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। आमिर खान साहब के बारे में भी डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ रिजर्वेशन है, वो भी साथ देखें यार ये सारी चीजें देखें, ये रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, असल मसला मामला ये है जो फारूक सत्तार कहते हैं कि भाई अगर मैं आता भी हूँ तो मेरे कारकुन भी आएंगे, आप अपने कारकुन भी बुला लें, ये बात तो ठीक है, थोड़े 1.5-2 हजार के करीब मजमा होगा, उसमें ऐलान कर दें, वो भी नहीं मान रहे, वो भी पता नहीं क्या हो गया उनको, मुझे लग रहा है ये वो वाला सेटअप है जो भाई के तौर के अंदर छोड़ जाते थे, आफाक भाई को ज्वाइन कर लिए तो फिर माफीनामा दें और माफीनामे लिखे दें, ये वाली बात तो नहीं मेरे ख्याल से, तब देखें बहरहाल जो अब वो ये वाला सीन तो नहीं है ना, सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, सालिसी तो ठीक है सालिसी करते रहे, लेकिन आपको लगता है कि कामरान डिसूजा का गवर्नरशिप का होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन सियासी कद तो नहीं है ना पार्टी के अंदर, कैसे बात कर दी आपने, लो दो घंटे में जिस शख्स जो शख्स डिप्टी कन्वीनियर बन गया आप उसको ये समझते हैं, अबे किसी का भी फोन हो तो जो पार्टी जो पार्टी चली फोनों पे रही है, जो पार्टी चली एसएमएस पे रही है, आप उसकी बात कर रहे हैं, बताओ बिलाल जिसका फोन जिसके लिए फोन आ रहा है उसके ताल्लुकात कैसे होंगे, आपका आपके लिए कोई फोन आया यार, आप सब छोड़ दें, फैजल वाबडा के लिए भी फोन आते हैं, आप सब छोड़ दें, आप सब छोड़ दें, सबके फोन आते हैं, आप सब छोड़ दें, फैजल वाबडा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सब छोड़ दें, अभी आपने वाली बात की ना टेलीफोन वाली, आप फर्ज करें आप एमक्यूएम के फॉर सपोज अलजबरा का एक्स होता था ना, फॉर सपोज एक्स आप जो है वो इस वक्त एमक्यूएम के लीडर हैं, ठीक सबसे बड़े कन्वीनियर आप हैं, ठीक है, और आपको टेलीफोन आता है, मैं फौरन काम कर दूंगा, नहीं आप काम कर देंगे, ठीक है आप काम कर देंगे, और मैं हूँ आपका दोस्त, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको क्या बोलूंगा,
काम कर दूंगा भाई मैं, मैं वो तो आप कर देंगे, उसने बना के आप बना के रख लेंगे, और उसके बाद जो दोस्त आपके क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलते रहे मुझे बोलेंगे, ये बोलेंगे ये इतना सा पानी है, दो गुट पानी है। नहीं नहीं भाई, सियासत इसी का नाम है। देखें आप ये कह रहे थे ना जरदारी साहब के बारे में आपने कहा, भुट्टो साहब के बारे में आपने कहा, सबके बारे में, नवाज शरीफ के बारे में कहा, जरदारी साहब को इमरान खान के बारे में कहा, जरदारी साहब भाई सियासत चूसनी का नाम है और फिरने का नाम है। जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहते हैं ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ अगर एमक्यूएम ये काम कर रही है तो कोई बुरा नहीं कर रही, मैं भी ये नहीं कह रहा, मैं भी ये नहीं कह रहा, तो इमरान खान ये काम कर रहा है तो अगर किसी को शर्म दिला रहे हैं ना तो ये भी कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर देखें भाई अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने या एमक्यूएम ने लीडरशिप ने कमेंट सुनी, एक मिनट बात सुने, ये जो है बहस इसी तरह चलती रहेगी दोनों के दरमियान, और अब आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया, ओरिजिनल है और वो ये आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये जो है ये इसी तरह से जारी रहेंगे, नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।